हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। बच्चों वॉइस एंड पिक्चर ठीक है? आपको पिक्चर एंड वॉइस क्लियर है क्या? बताओ बच्चों, एल्कीन के कितने रेडिकल इंपॉर्टेंट बताए थे मैंने आपको? एल्कीन के कितने रेडिकल इंपॉर्टेंट बताए थे? दो। याद है क्या? दो कौन कौन से बताए थे बताओ? दो टाइप के कार्बन पढ़ाए थे मैंने आपको, विनाइलिक और एलाइलिक। तो विनाइल और एलाइल याद है? विनाइल और एलाइल पढ़ाए थे बच्चों मैंने आप लोगों को। अब आप हेडिंग डालो बच्चों, मोनोवेलेंट रेडिकल ऑफ। मोनोवेलेंट रेडिकल ऑफ एल्काइन, ठीक है ना? अब अपन एल्काइन के मोनोवेलेंट रेडिकल्स लेते हैं। मोनोवेलेंट रेडिकल्स ऑफ एल्काइन, ठीक है? देखो बच्चों, एल्काइन का कोई भी मोनोवेलेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई भी एल्काइन का मोनोवेलेंट रेडिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, बता देता हूं, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है? देखो बच्चों, इसको आप एथाइन बोलते हो क्या? इसको आप एथाइन बोलते हैं, बोलो बच्चों। तो इसमें दोनों कार्बन एक ही जैसे हैं बच्चों। इथाइन में दोनों कार्बन एक ही जैसे हैं, कोई सा भी हटा दो। हटा दिया। देखो ये इथाइन है तो क्या हो जाएगा? इथाइनाइल हो गया। इथाइन से क्या बन जाएगा? इथाइनाइल। क्लियर है क्या? क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलो ये बताओ। इसकी बात करते हैं तो इसमें देखो बच्चों, एक तो इस कार्बन पर हाइड्रोजन है और एक इस कार्बन पर हाइड्रोजन है। अगर मैं स्टार वाले से एच हटाऊं, स्टार वाले से एच हटाऊं, तो मैं इसको ऐसा बोलता हूं। देखो बच्चों, ऐसा हो गया क्या? स्टार वाले से एच हटाऊं तो मैं इस तरह से बना सकता हूं। इसका नाम होता है प्रोपारजिन। इसका नाम होता है बच्चों प्रोपारजिल। ठीक है? इसका नाम क्या है? प्रोपारजिल। इसका आईपीसी नाम बता सकते हो आप? 1, 2, 3। आईपीसी नाम क्या हो जाएगा? देखो बच्चों, प्रोप टू ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? वाई एन, और पीछे क्या आ जाएगा? वाई एल। आई नाइल हो जाएगा क्या? प्रोप टू आइनाइल हो जाएगा बच्चों। बोलो बच्चों, ठीक है? अब देखो बच्चों, सुनो, मैं इसे हटाऊं, इसे हटाया, अब बताओ। यस हजारीवाल, इसका नाम बता भाई। यस हजारीवाल, इसका आईपीसी नेम बता। यस हजारीवाल, सुन रहे है? यस हजारीवाल सुन रहे है क्या?
हाँ भैया, इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? इसका हो जाएगा, देखो 1 2 3 क्रो 1 9 9, हो गया क्या? बोलो बच्चों। तो देखो बच्चों, एल्काइन का कोई भी रेडिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, एल्काइन का कोई भी रेडिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर होली दिवाली भी कोई काम पढ़ाना तो सिर्फ ये काम आएगा प्रोपारजिल। मुश्किल से कोई एक आधा एग्जाम्पल मिलेगा आपको पूरे साल में प्रोपारजिल का, एल्काइन के इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना? चलो आगे देखो बेटा, सुनो। देखिए बच्चों, अपन नेक्स्ट बात करते हैं मोनोवेलेंट रेडिकल ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन। मोनोवेलेंट रेडिकल, इनके कोई कॉमन नेम नहीं है, इनके कोई कॉमन नेम नहीं है। मोनोवेलेंट रेडिकल ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन। देखो बच्चों, बेंजीन ही होता है बच्चों, या इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं C6H6, या इसको ऐसा बोल सकते हैं C6H5। अब देखो बच्चों सुनो, ये जो C6H5 है ना, इसको मैं क्या क्या बोल सकता हूं? इसको मैं फेनिल बोल सकता हूं, इसको है ना, इसको देखो एक मिनट, इसको कैसे कैसे इंडिकेट करते हैं वो देख लीजिए। एक तो इसको ऐसे लिखा जाता है C6H5, इसको AR लिखा मिल सकता है, इसको PH लिखा मिल सकता है, इसको फाइव लिखा मिल सकता है, इसको क्या, इसको आप ऐसे लिखा मिल सकता है ARH, इसको ये समझ सकता है PHH, लिखा मिल सकता है 5H। इन सब का मीनिंग क्या है? इन सब का मीनिंग C6H5 है, ठीक है ना? तो अगर इसमें से एक एच हटाते हो आप, अगर इसमें से एक एच आप हटाते हो, ये वाली पिक्चर बनी, या आप ये बोलोगे C6H5, या ये बोलोगे, या ये बोलोगे, ठीक है ना? बेंजीन में से एक एच हटा दिया मैंने, यहां पर एच है, सपोज किसी भी कार्बन से हटा दो, है ना? C6H6 में से एक एच हटा दिया, या ARH में से हटा दिया, या PH, है ना? या इसको आप ये भी कह सकते हो 5। इन सब को क्या नाम देते हैं बच्चों? फेनिल, या इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एरिल। क्या बोलते हैं? फेनिल या एरिल बोलते हैं बच्चों, फेनिल या एरिल बोलते हैं, एराइल, है ना? अच्छा, इसको नाम एरिन भी देते हैं, ठीक है ना? जो आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है ना, उसको अपन एरिन बोलते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को एरिन बोलते हैं। तो ये एरिल है या फेनिल है बच्चों, समझ में आ गया क्या? बोलो बच्चों। अरे बेटा समझ में आ गया क्या? नोट करो फटाफट। हाँ भैया, सबने कर लिया नोट? हाँ देखो बच्चों सुनो, इसको क्या बोलते हैं जानते हो क्या? इसको बोलते हैं टोलुइन। इसको बोलते हैं टोलुइन, बोलते हैं
और टोलुइन के इस कार्बन को कौन सा कार्बन बोलते हैं बच्चों बताओ? टोलुइन के इस कार्बन को कौन सा कार्बन बोलते हैं? बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं क्या? टोलुइन के इस कार्बन को बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं बच्चों? ये बेंजाइलिक कार्बन है, ठीक है। इस बेंजाइलिक कार्बन से अगर मैं एक एच हटा दूं तो देखो इस ग्रुप को क्या नाम देते हैं बच्चों? इस ग्रुप को नाम देते हैं बेंजाइल। ग्रुप को क्या नाम देते हैं? बेंजाइल बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? बेंजाइल बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, काम आता है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, काम आता है। अब देखो बच्चों सुनो, नोट कर लिया सबने? सबने नोट कर लिया बच्चों? चलिए देखिए बच्चों, नेक्स्ट नेक्स्ट में लेता हूं डाइवेलेंट एंड ट्राइवेलेंट रेडिकल्स। डाइवेलेंट का मतलब दो फ्री वैलेंसी होगी, ट्राइवेलेंट का मतलब तीन फ्री वैलेंसी होगी, ठीक है ना। डाइवेलेंट का मतलब दो फ्री वैलेंसी, ट्राइवेलेंट का मतलब तीन फ्री वैलेंसी, ठीक है बच्चों। देखो सबसे पहले क्या करना है कि टू फ्री वैलेंसी ऑन सेम कार्बन, ठीक है, फिर थ्री फ्री वैलेंसी ऑन सेम कार्बन, ठीक है। देखो बच्चों, दो फ्री वैलेंसी एक ही कार्बन करो, फ्री वैलेंसी को अपन किससे इंडिकेट करते हैं? फ्री वैलेंसी को अपन किससे इंडिकेट करते हैं बच्चों? YL से। ये तो दोनों में YL Y लगा दिए। अब देखो क्या करना है, अगर आपकी फ्री वैलेंसी एक से ज्यादा हो रही है तो आपको एक और लगाना पड़ेगा, आईडी। क्या लगाना पड़ेगा? आईडी, वाई एल आई डी। यहां तक ठीक है। दो फ्री वैलेंसी को मैं एज ए डबल बॉन्ड की तरह कंसीडर कर रहा हूं, दो फ्री वैलेंसी को मैं किसकी तरह कंसीडर कर रहा हूं? डबल बॉन्ड की तरह। मैं क्या लगा दूंगा? यहां लगा दूंगा ई। तो तीन फ्री वैलेंसी को मैं किसकी तरह कंसिडर करूं बताओ? तीन फ्री वैलेंसी को मैं ट्रिपल बॉन्ड की तरह कंसीडर करूंगा। बोलो बच्चों, उसमें क्या लगा दूं? आयन लगा दूं? बोलो बच्चों, वाई लीडिंग एंड वाई लिडाइन। आ गया बच्चों। अब देखो बच्चों, अगर मैं ऐसा बोलूं टू फ्री वैलेंसी ऑन एडजेसेंट कार्बन, है ना, दो फ्री वैलेंसी एडजेसेंट कार्बन पर हो, तो उसके लिए देखो YL तो लगेगा ही लगेगा, YL तो लगेगा ही लगेगा, इस बार ID नहीं लगेगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इन लगा दो, सिर्फ और सिर्फ क्या लगा दो? इन लगा दो। बच्चों समझ में आया क्या? अरे बच्चों समझ में आया, वाई लिडाइन था, यहां सिर्फ वाई लीन है, क्लियर है क्या? अब देखो बच्चों सुनो, देखो सुनो, समझना मेरी बात,
इसको क्या बोलते हो बताओ, CH3CH2 को क्या बोलते हो? CH3CH2 को इथाइन बोलते हैं आप? इथाइन बोलते हो। इसके बाद अगर मैं एक एच और हटा दूं, ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। ये पूरा का पूरा नाम वापिस लिख दो, इथाइल। दो फ्री वैलेंसी एक ही कार्बन पर है, टू फ्री वैलेंसी सेम कार्बन पर है, तो क्या लगाऊंगा? आईडी लगा के ईन लगाएंगे, नाम क्या हो गया? इथाइलिडीन हो गया। क्या हो गया बच्चों? अब बताओ, अगर मैं इसमें से तीन हटा दूं, बताओ अब क्या हो जाएगा? अब क्या हो जाएगा बच्चों? देखो, इथाइल तो था ही, आईडी लगानी है, और ट्रिपल बॉन्ड के कारण इसको आइन बोल दिए। समझ में आ गया? इथाइलीन, इथाइलिडाइन। बच्चों समझ में आएगा? बच्चों समझ में आया क्या नवाबों? अरे बच्चों समझ में आ गया? अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं इसमें ऐसा करूं, ये मैंने एडजेसेंट कार्बन से हटा दिया, एडजेसेंट कार्बन से हटा दिया, तो एडजेसेंट कार्बन से हटाने पे क्या लगाएंगे? देखो इथाइल तो है ही, आईडी नहीं लगाना इस बार, इस बार आईडी नहीं लगाना, क्या हो जाएगा? इथाइलीन हो जाएगा। हो जाएगा बच्चों? अरे हो जाएगा क्या? जाएगा बच्चों, समझ में आया? बोलो बच्चों, एरिन यादव ये बात भी आपको बताएंगे बाद में, अभी रेडिकल पे थोड़ा ध्यान दे बेटा। चलो अब बताओ बेटा, अब इनके नाम बताने बच्चों, इसका फिर इसका और फिर इसका। सबसे पहले इसका नाम बताओ, बताओ भैया, स्ट्रेट चेन और वैलेंसी फ्री कार्बन की डिग्री वन है, तो ये एन प्रोपाइल है क्या? ये एन प्रोपाइल है बच्चों, है। अब इसका क्या हो जाएगा बताओ? एन प्रोपाइल लिडीन हो जाएगा क्या? एन प्रोपाइलिडीन हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा? एन प्रोपाइल लिडाइन हो गया बच्चों, हो गया क्या? बोलो बच्चों क्लियर है क्या? अच्छा आप बताओ, अगर मैं ये एडजेसेंट से हटा दूं, तो अगर मैं ये एडजेसेंट से हटा दूं तो क्या बोला था? आईडी नहीं लगेगा इस बार, आईडी नहीं लगेगा, क्या हो जाएगा? तो क्या बोल सकते हो आप इसको? प्रोपाइलिन बोल सकते हो आप इसको? प्रोपाइलिन बोल सकते हो क्या? बोल सकते हो? हाँ, एन लगा सकते हो, लगा सकते हो, एन लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अब बताओ, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या बच्चों? आइसोप्रोपाइल है क्या?
अरे इसका नाम आइसोप्रोपाइल है क्या? है ठीक है भैया, इसका नाम आप कह रहे हो आइसोप्रोपाइल है। ठीक है, तो अब बताओ बच्चों, इसका नाम क्या हो जाएगा? त्रिवेलेंसी एक ही कार्बन पर आ गई तो आइसोप्रोपाइल लिडीन हो गया, है ना? ये क्या हो जाएगा? आइसो प्रोपाइल लिडीन। क्लियर है क्या बच्चों? क्लियर है बेटा? समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया क्या? सबको समझ में आया? यहां तक किसी को कोई डाउट है? यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? चलो देखो, ये बताना है बच्चों, ठीक है ना? इसको क्या नाम दिया था बताओ? बेंजिल बोला था क्या? बेंजिल बोला था क्या? इसको इसको क्या बोलेंगे? बेंजिलिडीन। और इसको क्या बोलेंगे? बेंजाइन लिडाइन। बेंजिल लिडीन, बेंजाइन लिडाइन। ठीक है, इसको एक नाम और देते हैं बच्चों, बेंजिल बेंजल, और इसको बोलते हैं बेंजो। ये नाम भी है, बेंजिल बेंजल बेंजो, YLALO, बेंजिल बेंजल बेंजो। ठीक है बच्चों, इनको क्या बोल रहे हैं अपन? बेंजिल बेंजल बेंजो। ठीक हाँ भैया, अमीन कंपाउंड्स के नाम बताने। सबसे पहले बताओ बच्चों, इन दो क्लोरीन को मैंने छुपा दिया, तो क्या एक कार्बन पर दो फ्री वैलेंसी है? क्या एक कार्बन पर दो फ्री वैलेंसी है? तो ये क्या है? दो कार्बन है तो नाम क्या होगा? एथिलीडीन। एथिलीडीन होगा बच्चों, का नाम क्या होगा? इथाइल लिडीन। क्लोराइड आ जाएगा क्या? इथाइलिडीन क्लोराइड आ जाएगा। अब एक बात सुनो, आप यहां पर डाई लगाओ तो भी ठीक है, नहीं लगाओ तो भी ठीक है, क्योंकि इथाइलिडीन अपने आप में क्या इंडिकेट कर रहा है? इथाइलिडीन अपने आप में क्या इंडिकेट कर रहा है? कितनी फ्री वैलेंसी को? इथाइलिडीन अपने आप में कितनी फ्री वैलेंसी को? दो को कर रहा है ना? ठीक है, अब इसका नाम बताओ बच्चों, इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं, बेंजिलिडीन ब्रोमाइड, या इसको क्या बोल सकते हैं? बेंजल ब्रोमाइड। बेंजिलिडीन या बेंजल ब्रोमाइड। ठीक है,
इसका बोलो बच्चों, इसका बोलो ये हो जाएगा देखो बच्चों इथाइलीन, इथाइलीन क्लोराइड हो गया, इथाइलीन क्लोराइड हो गया बच्चों। चलो ये बताओ, देखो आप चाहो तो डाइक्लोराइड लगा सकते हो, गलत नहीं है, लेकिन ना लगाओ तो भी चलता है, ना लगाओ तो भी चलता है, ध्यान रख लेना। इसका नाम बोलो, नाम जो इथाइलीन है ना, तो NH2 का एमीन बोलते हैं, पता है क्या, NH2 को बोलते हैं। तो आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो इथाइलीन डाइएमीन, और सिर्फ चाहो तो इथाइलीन एमीन भी बोल सकते हो, दोनों ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, इथाइलीन डाइएमीन और इथाइलीन एमीन दोनों ठीक है बेटा, ठीक है क्या, बोलो बच्चों, ये सबको समझ में आ गए, ये सबको समझ में आ गए बच्चों। ये बताओ इसको क्या बोलोगे, इसको बोलेंगे देखो बेंजो क्लोराइड या बेंजाइल लिडाइन क्लोराइड, बेंजो क्लोराइड या बेंजाइल लिडाइन क्लोराइड, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बोलो बच्चों। बेटा रेडिकल्स में कम से कम नहीं 3-4 लेक्चर लगा दिए, रेडिकल्स अच्छे से तैयार कर लेना अगर ऑर्गेनिक में आगे अच्छे से आपको करना हो तो। चलो देखो बच्चों सुनो, सुनिए ये मेरे पास, इसको क्या बोलते हो बताओ, इसको बोलते हैं बच्चों मिथाइल, इसको देखो क्या क्या बोल सकते हैं, इसको मिथाइलिडीन भी बोलते हैं, मिथाइलिडीन, और इसका नाम एक ये भी दिया जाता है बच्चों मिथाइलीन, यहां रहना इसमें मिथाइलीन भी है। अब आप बोलोगे सर दो एडजेसेंट एटम तो है नहीं, इसको मिथाइलीन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिथाइलीन भी बोलते हैं, ध्यान रख लेना भैया, ठीक है ना। जैसे देखो बच्चों ये कितने मिथाइलीन है, काउंट करो कितने मिथाइलीन है, 1 2 3 4 5 6, 6 है क्या, बोलो बच्चों 6 है, इधर मैंने लगा दिया NH2, इधर भी मैंने लगा दिया NH2, तो इनको मैं बोलता हूं हेक्सा मिथाइली है ना, दो एमीन है, क्या बोल देंगे, डाई एमीन, बोलो बच्चों आगे समझ में, बच्चों समझ में आ गया, हेक्सा क्यों बोला, हेक्सा क्यों बोला, देखो बच्चों 6 मिथाइलिन ग्रुप्स हैं आपके सामने, चेक करो क्या आपके सामने 6 मिथाइलिन ग्रुप्स हैं, क्या है बच्चों मिथाइलिन ग्रुप्स दिख रहे हैं क्या, तो अब बताओ बच्चों रेडिकल्स में किसी को दिक्कत है क्या, रेडिकल्स में किसी को दिक्कत है क्या,
पक्का? देखो बच्चों, आज आपकी जो 12th वाले बच्चों की जो क्लास हुई थी 5:15 to 6:15, उस क्लास में मैंने ये देखा कि ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ में बहुत से बच्चे इतने ज्यादा गलत रिप्लाई कर रहे थे। तो अभी मैं कल है ना ये चीज मॉर्निंग वाले बैच में पढ़ाऊंगा, तो आप है ना उसको ज्वाइन कर लेना बेटा। जो गलत गलत आंसर दे रहे थे वो ज्वाइन कर लेना। मैंने आज खूब क्वेश्चंस करवाए थे आपको, पता है क्या? अरे अभी बताऊं क्या वापस वो चीज, क्योंकि मैंने खूब करवाए थे क्वेश्चन, याद है क्या? अपना अपनों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अपना प्रायो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फंडा बताया था ना बेटा। थोड़ा सा आप फोकस करो। देखो आप लोग अगर ढंग से फोकस करोगे सेलेक्ट हो जाओगे बच्चों। अभी अगर आप ध्यान दो ना, तो आपके साथ का मुश्किल से 30% बच्चों ऐसा होगा जो ढंग से पढ़ पा रहा होगा, है ना। जो बच्चा रूरल एरियाज में रह रहा है वो बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है। आप इस बात को दिमाग में फिट करो। रूरल एरियाज में एक तो कनेक्टिविटी नहीं है, डिवाइस नहीं है उनके पास, तो बच्चों उनके लिए तो सिंपल मतलब वो समझ लो कि सिर्फ वो एक बोर्ड एग्जाम की कर रहे हैं प्रिपरेशन। आप अगर थोड़ा सा भी फोकस हो गए ना बच्चों, आप सेलेक्ट हो जाओगे। आप इस बात को दिमाग में क्यों नहीं बिठा रहे? आप थोड़ा सा फोकस हो गए। मुझे पता है कि ऑनलाइन क्लास अटेंड करना बहुत मुश्किल है ना, पढ़ना बहुत मुश्किल है। मुझे भी अगर आपकी जगह बिठा दे तो मैं भी शायद ना करूं, या इतनी मेरे में भी नहीं आएगी। लेकिन बच्चों आप अपना टारगेट तो देखो ना, आपको टारगेट दिख रहा है कि आप डॉक्टर बन सकते हो, आप इंजीनियर बन सकते हो, आपका जो ड्रीम है वो पूरा हो जाएगा। देखो मुझे कई बार है ना गुस्सा आ जाता है, मैं डांट देता हूं, लेकिन मेरी डांट को आप अगर मैं सही वे में डांटा तो उसको सीरियसली लेना, क्योंकि वो भला आपका ही करेगी, मेरा भला नहीं करेगी। ध्यान रखना कि मैं एक ही क्वेश्चन को बार बार करवा रहा हूं, बच्चा उसमें गलत कर रहा है, तो आपको समझ में आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो बच्चों। पता है ना मैंने MnO4- वाला क्वेश्चन आज कितनी बार करवाया होगा, और हर बार बच्चा अलग आंसर देता है हर बार। आपको पता है ना मुझे बच्चों के नाम तक याद है, किस किस बच्चे ने क्या क्या दिया। आज से ये बात आप मुझे भली 10 साल बाद पूछना, मैं बता दूंगा कि किस बच्चे ने क्या आंसर दिया था, ठीक है ना। चलो बताओ बच्चों, एक क्वेश्चन बताओ। नंबर ऑफ मोनोवेलेंट रेडिकल्स ऑफ ब्यूटाइन बताओ। नंबर ऑफ मोनोवेलेंट रेडिकल्स ऑफ ब्यूटाइन, ब्यूटाइन के कितने मोनोवेलेंट रेडिकल बन सकते हैं? देखो बच्चों ब्यूटाइन क्या क्या पॉसिबल है। ब्यूटाइन एक तो ये पॉसिबल है और एक ये पॉसिबल है। एक तो 1-ब्यूटाइन पॉसिबल है और एक 2-ब्यूटाइन पॉसिबल है बच्चों। अब आपको क्या करना है, इसमें टाइप ऑफ कार्बन चेक कर लो बस, है ना। देखो यहां से एक बन सकता है, यहां से एक बन सकता है और यहां से एक बन सकता है। तो बताओ टोटल इससे कितने बना सकते हो आप? यहां तो बना सकते हो 3 टाइप्स बन सकता है। इसमें देखो बच्चों ये और ये कार्बन दोनों एक ही जैसे है ना, ये और ये दोनों कार्बन तो एक ही जैसे है ना। अरे एक ही जैसे हैं बच्चों, बोलो एक ही जैसे हैं। तो एक ही जैसे हैं तो बीच में तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है ना, बीच वाले में तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो इससे कितना बनेगा? 1 टाइप का बनेगा, बनेगा बच्चों। तो टोटल कितने टाइप्स हो गई? 4 टाइप्स की हो गई। हो गई क्या? बोलो बच्चों हो गई क्या? अरे बच्चों समझ में आया है क्या? चलो ये बता, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट रेडिकल्स ऑफ ब्यूटीन,
ब्यूटीन के मोनोवेलेंट रेडिकल्स एथल, क्या बात है एथल, वेरी गुड, याद कर रखे हैं आपने इससे मतलब। देखो बच्चों ब्यूटीन के कैसे बनाएंगे, सुनो सबसे पहले देखो ब्यूटीन के कौन कौन से पॉसिबल है आइसोमर, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है और ये पॉसिबल है ना बच्चों, ये ब्यूटीन के तीन आइसोमर पॉसिबल है, वन ब्यूटीन, टू ब्यूटीन और आइसोब्यूटीन, है क्या। अब देखो बच्चों सुनो, यहां से अलग और यहां से अलग, इससे बनेंगे फोर टाइप्स के, बनेंगे बच्चों। इससे देखो ये दोनों एक ही जैसे हैं, ये दोनों भी एक जैसे हैं, देखो इससे कितने बनेंगे टू टाइप्स के। फिर देखो ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक है, और ये अलग है, इससे कितने बना दोगे आप टू टाइप्स के, तो बताओ टोटल कितने हो गए, टोटल एट टाइप्स हो गए क्या, हो गए बच्चों, टोटल एट टाइप्स ऑफ रेडिकल अपन बना सकते हैं। तो अब देखो बच्चों सुनो, मैंने आप लोगों को रेडिकल्स सारे डिस्कस कर लिए, आप लोगों से रेडिकल्स जो भी है वो मैंने आपसे सारे डिस्कस कर लिए। तो अभी तक देखो अपन ने ऑर्गेनिक में काफी सारे चीजें कर ली, क्लासिफिकेशन मैंने आपको सारा पढ़ा दिया, एरोमेटिसिटी पढ़ा दी है ना, आपको रेजोनेंस की कंडीशंस मैंने सिखा दी, आपको मैंने रेडिकल्स पढ़ा दिए ना, एन आई सुनियो क्या है सारा। कल अपन करेंगे बच्चों होमोलोगस सीरीज, ठीक है ना, होमोलोगस सीरीज के बाद अपन फिर एंट्री मार जाएंगे नोमेनक्लेचर के अंदर। देखो बच्चों ऑर्गेनिक साथ साथ बढ़ते रहे ना, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप पढ़ाई पे ध्यान दें, ठीक है ना। देखो आप नहीं पढ़ते हो ना, मेरा दिमाग होता है खराब, मैं सही बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। और जब अच्छा बच्चा गलत रिप्लाई करता ना तो बहुत ही ज्यादा दुख होता है मुझे, बहुत ज्यादा दुख होता है। लावण्य जग्गा, प्रज्ञा फलोदिया, आर्ची, अब मैं किन किन बच्चों के नाम बोलूं, मतलब ये बच्चे भी जब गलत रिप्लाई कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रखी है। अरे बच्चों सुन रहे हो क्या मेरी बात, अरुणा प्रजापत आपको पता है, प्रज्ञा फलोदिया, रिया सैगल, पता है ना। तो बेटा थोड़ा सा पढ़ लो यार, थोड़ा सा फोकस करो, आपको मैं एक एग्जांपल तो करवाता नहीं, आप पढ़ के आया करो, जो मैंने पढ़ाया है ना उसको अगले दिन पढ़ के आया करो, दिमाग में फिट करके आया करो। और इवन दो साइट मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नोट्स सेंड किया कर रखे है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नोट्स की पीडीएफ सेंड कर रखी है ना, कम से कम आप क्लास से 10 मिनट पहले एक बार उससे गो थ्रू हो जाया करो, देखा करो कि अच्छा क्या पढ़ा सकते हैं आज, क्या क्वेश्चंस हो सकता है, आप देख के तो आया करो यार बच्चों। मैं कह रहा हूं देखो इतना गोल्डन चांस है आप लोगों के पास, ये कोरोना आप ये समझ लो कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्न ला सकता है, आपके करियर को बना सकता है। आप इसको नेगेटिव वे में मत सोचो, पॉजिटिव वे में सोचो, आप सिलेक्ट हो जाओगे। आप में से कई बच्चे इतने अच्छे हैं मतलब वो आराम से सिलेक्ट हो जाएंगे अगर वो थोड़ा सा फोकस कर ले। हर बच्चा सिलेक्ट हो सकता है अगर वो सीन सेट एंड रेगुलेटरी दिखाना शुरू कर दे, ठीक है बच्चों।